So class, we have covered the trading and profit and loss account of the financial statements. Now we are at the topic that is balance sheet. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने अकाउंट्स को स्टार्ट करा था, कि हमारे पास में अकाउंट्स में सिर्फ चार ही चीज़ें होती हैं, एंड दैट इज एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड योर इनकम्स. तो एक्सपेंसेस और इनकम्स जो थे वो तो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करे. अब बचता है क्लास हमारे पास में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं हमारी बैलेंस शीट. इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉपर मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट और यू कैन से द रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस शीट, तो वो मैं बता देता हूँ आपको. पहले देखिए, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर या किसी पर्टिकुलर डेट पे उसको ये पता लगे कि उसके बिजनेस में कितनी असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज है. दैट मीन्स हाउ मच प्रॉपर्टी द बिजनेस इज ओइंग एंड हाउ मच अमाउंट इज पेबल ऑन द बिजनेस या इज पेबल टूवर्ड्स द बिजनेस. ठीक है, इस चीज को जानने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं एट अ वेरी पर्टिकुलर डेट, और उसमें हम हमारी सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज के जो बैलेंसेज होते हैं उन्हें हमें रिकॉर्ड करना होता है. बेसिकली ये बैलेंसेज आते कहाँ से? हमारे लेजर अकाउंट से. जो एसेट्स और लाइबिलिटीज के लेजर अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेज एज अ बैलेंसिंग फिगर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. वो क्लोजिंग बैलेंसेज हमारे ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, और फिर ट्रायल बैलेंस से वी जस्ट शिफ्ट देम टूवर्ड्स आर बैलेंस शीट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फॉर्मेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक वन थिंग वेरी क्लियर दैट दिस इज नॉट योर लेजर अकाउंट, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट. इज इट क्लियर? ओके. एंड ये आपके दो तरीके से बन सकता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट है, बट वेन वी टॉक अबाउट इन कंपनी अकाउंट्स इन क्लास 12th, तो वहां पर आपको फिक्स फॉर्मेट होता है, वहां पर आपको वर्टिकल फॉर्मेट को ही फॉलो करना होता है, बट दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट. 11th में वी आर हैविंग हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, उसको देखते हैं हम लोग. चलिए, तो ये बैलेंस शीट में स्टार्ट होगा. यहाँ पे हमारे पास में सेंटर से इसको डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव टू राइट दी हेडिंग एंड दैट इज योर लाइबिलिटीज. इज इट क्लियर? सो लाइबिलिटीज एंड द कॉलम फॉर द अमाउंट एंड देन द कॉलम फॉर एसेट्स एंड द अमाउंट कॉलम. इज इट क्लियर क्लास? अब बात करते हैं हम कि इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज के जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं. पहले मैं आप लोगों को मेजर हेडिंग्स बता देता हूँ क्योंकि वही इंपॉर्टेंट पार्ट है. फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट. दो मेथड होते हैं यहाँ पे हमारे पास में, और उसके वजह से हेडिंग्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके ऊपर बात करेंगे. देखिए, अगर हम बात करें एसेट साइड की, तो एसेट्स में क्लास हमारे पास में मेजर हेडिंग्स जो होते हैं वो दो रहते हैं. पहला आता है हमारे पास में नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट एसेट्स. इज इट क्लियर? और फिर उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है सेकंड मेजर हेडिंग जो आता है हमारे पास में, वो रहता है करेंट एसेट्स. ओके क्लास? एंड इफ यू टॉक अबाउट द लाइबिलिटी साइड, अगर लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं तो यहां पे तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया है. पहला है हमारे पास में कैपिटल, द फर्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज द कैपिटल. देन यू आर हैविंग योर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, एंड देन द नेक्स्ट हेडिंग एंड दैट इज योर करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज. इज इट क्लियर? ओके. एंड आप लोगों को पहले से ही पता है कि नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज क्या होता है. मैं फिर भी एक बार और इंट्रो दे देता हूँ. द एसेट्स विच आर विद अस फॉर मोर देन वन ईयर और विच प्रोवाइड द बेनिफिट फॉर मोर देन वन ईयर, सच एसेट्स आर टर्म्ड एज नॉन करेंट एसेट्स. बट द एसेट विच गेट कन्वर्टेड इन टू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स विद द टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और विद इन नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन टाइम पीरियड, सच एसेट्स आर टर्म्ड एज करेंट एसेट्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट द लाइबिलिटीज पार्ट, देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन टू स्टार्ट द बिजनेस इज नोन एज द कैपिटल. ओके, द लाइबिलिटीज विच गेट विच आर रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑफ विद इन द पीरियड ऑफ मोर देन वन ईयर इज नोन एज नॉन करेंट लाइबिलिटीज. एंड द लाइबिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी सेटल ऑफ विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और विद इन अ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन साइकिल, देन सच लाइबिलिटीज आर टर्म्ड एज योर करेंट लाइबिलिटीज. 12 मंथ से ज्यादा होगा तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट नॉन करेंट असेट्स, और अगर 12 मंथ्स तक कोई सेटलमेंट होता है करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट एसेट.
इज इट क्लियर? अब बात करते हैं इसके अंदर आने वाली चीजों की और फिर हम बात करेंगे मेथड के बारे में। तो इसमें जो भी चीजें आपके पास में आ रही हैं, आई एम हैविंग दिस एडिशन ऑफ डीके गोयल एंड राइट नाउ आई एम एट चैप्टर नंबर 21, पेज नंबर 21.20। यहां पे आपके पास में बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आ रहा है। आप देखिएगा, नॉन करंट एसेट्स इंक्लूड फर्नीचर, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स एंड योर गुडविल, ठीक है। जब हम 12th में जाएंगे क्लास, तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को और फर्दर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स के अंदर डिवाइड करा जाएगा, जैसे कि फिक्स्ड असेट्स, और उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, इज इट क्लियर? फिर उसके अंदर आपके पास में आ जाता है आपके इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, करेंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इस तरीके की काफ़ी सारी हेडिंग्स आती हैं। बट ये सारा मैटर हमारे पास में है क्लास 12th में, ठीक है। यहाँ पे इतना नहीं है, यहाँ पे आपके पास में सिर्फ दो तीन ही हेडिंग है, टेंजिबल इनटेंजिबल। बेसिकली टेंजिबल असेट्स का मतलब द असेट्स विच यू कैन टच, विच यू कैन सी, विच यू कैन फील, इनको टेंजिबल असेट्स बोलते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर। और इनटेंजिबल असेट्स मतलब विच यू कैन नॉट सी बट यू कैन वैल्यू देम इन द मार्केट, उन्हें इनटेंजिबल असेट्स बोलेंगे, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, सच काइंड ऑफ असेट्स आर टर्म्ड एज इंटेंजिबल असेट्स, ओके। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लाइबिलिटी, करेंट असेट्स पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बचा है, तो करेंट असेट्स में कैश इन हैंड, देखिए बिगेस्ट करेंट असेट विल बी द कैश एंड कैश इन हैंड एंड योर कैश एट बैंक, इज इट क्लियर? फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सन्ड्री डेटर्स और बुक डेब्ट्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसिस एंड योर अक्रूड इनकम, ओके। देन इफ यू टॉक अबाउट द लाइबिलिटी सेक्शन, तो कैपिटल आता है आपके पास में। कैपिटल के अंदर आप ऐड कर रहे हैं अपना नेट प्रॉफिट। हाँ, आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया था उसमें हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल, तो वो यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा। अगर कोई लॉस होगा तो वह यहाँ से लेस हो जाएगा। अगर आप कोई ड्रॉइंग्स कर रहे होंगे ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स क्या होता है, ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू योर प्रोपराइटर, या आप कह सकते हो कि प्रोपराइटर के जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं विच इज गोइंग टू बी बेयर बाय द बिजनेस आर टर्म्ड एज ड्रॉइंग्स, उन ड्रॉइंग्स को आप यहाँ पे लेस करेंगे। कोई अगर एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस करी है ड्यूरिंग द ईयर, आप उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। एंड यू विल बी एट योर फाइनल कैपिटल। और उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आपके पास में आता है। बैंक से आप लोन ले रहे हैं, किसी दूसरे जगह से लोन ले रहे हैं, मॉर्गेज लोन, सिक्योरिटी लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स, ये जितने भी लोन हैं जिनका पेमेंट 12 मंथ से ज़्यादा में आपको करना है, जिसका सेटलमेंट 12 मंथ से ज़्यादा में होगा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। एंड देन इन योर करेंट लाइबिलिटीज़ यू आर हैविंग द बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड योर अर्न्ड इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो आपने अभी तक अर्न नहीं करी है लेकिन आपके पास में एज एन एडवांस रिसीव हो गई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, बेसिकली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स के टॉपिक है, विच इज आर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 एज पर एनसीईआरटी एंड चैप्टर नंबर 22 एज पर डीके गोयल। तो वो हम लोग डिटेल में वहां पर डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट कैसे होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सब नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ उनके नाम यूज हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखने हैं कि वो किस तरफ एंटर होते हैं, इज इट क्लियर? नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द बैलेंस शीट पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, इज इट क्लियर? तो मेथड्स में क्लास हमारे पास में दो अलग अलग मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट वी आर हैविंग इज द बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड द सेकेंड वी आर हैविंग विद अस इज द, देखिए पहला है हमारे पास में इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इज इट क्लियर? और फिर उसके बाद में सेकेंड है हमारे पास में इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑलराइट, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अब ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। व्हेनेवर यू आर फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, या पहले हम ऑर्डर ऑफ परमानेंस समझ लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि वो ही बना रखा है हमने एक्चुअल में। देखिए इनको डिफाइन करा गया है टू गेट कन्वर्टेड ऑफ पावर ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है। जो असेट या जो लाइबिलिटी जितनी ज़्यादा
पावर रखती है कैश में कन्वर्ट होने में, उन चीजों को हम बाद में लिखेंगे। कब? अगर आप ऑर्डर ऑफ परमानेंस फॉलो कर रहे हैं तो, विच मीन्स ये जो ऑर्डर डिसाइड हो रहा है ये लिक्विडिटी पावर के ऊपर है। लिक्विडिटी पावर का मतलब होता है पावर ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है। अगर आप ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो करते हैं तो जितनी ज्यादा लिक्विडिटी वाली चीजें होंगी वो पहले आएगा आपके पास में। बुक में जो फॉर्मेट दे रखा है वो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का दे रखा है, विच मीन्स करेंट एसेट से स्टार्ट करेंगे, नॉन करेंट एसेट्स बाद में आएगा, ठीक है। और अगर आप ऑर्डर ऑफ परमानेंस फॉलो कर रहे हैं तो जितनी ज्यादा लिक्विडिटी रखने वाली चीजें होंगी वो उतना ही लास्ट में आती जाएगी। तो सबसे लास्ट में आएगा कैश, ठीक है। और अगर ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है तो सबसे पहले आएगा कैश और फिर उसके बाद में दूसरी करेंट एसेट्स, फिर उसके बाद में नॉन करेंट एसेट्स। इज इट क्लियर? ये होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी आपको बुक में दे रखा है पेज नंबर 821.20 पे, एंड ऑर्डर ऑफ परमानेंस मैंने यहाँ पे आपको बना के बताया है, पहले नॉन करेंट एसेट्स फिर करेंट एसेट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितनी लिक्विडिटी कम उतना पहले वो चीज़ आएगी, इसलिए नॉन करेंट एसेट्स लिखा, और जितनी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी उतना लास्ट में आएगा। तो करेंट एसेट्स, उसमें भी लास्ट में क्या आएगा? कैश। एंड सिमिलर थिंग्स विद द लाइबिलिटीज पार्ट। कैपिटल इज अ वेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक ये लाइबिलिटी है, इसलिए इसको पहले लिखा। नॉन करेंट लाइबिलिटीज उसके बाद में, और फिर उसके बाद में करेंट लाइबिलिटीज। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ परमानेंस एंड ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, दैट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग योर बैलेंस शीट। एंड यू आर हैविंग वेरी गुड इलस्ट्रेशंस फॉर द बैलेंस शीट प्रिपरेशन एज वेल एज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब जो आपके पास में इलस्ट्रेशन आएंगे उसमें आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा। ट्रायल बैलेंस में से आपको हर चीज़ को एलिमिनेट करते जाना है, हर चीज़ को अपनी अपनी पोजिशन पर रखना है। इफ़ सम आइटम्स बिलोंग टू द ट्रेडिंग अकाउंट, देन यू हैव टू रिकॉर्ड देम इन द ट्रेडिंग। इफ सम आइटम बिलोंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस, देन यू हैव टू रिकॉर्ड देम इन द प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन। एंड इफ देर इज एनी काइंड ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द ट्रायल बैलेंस, देन यू हैव टू रिकॉर्ड देम इन द बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज योर चैप्टर नंबर 9 एज पर NCERT एंड चैप्टर नंबर 21 एज पर द DK गोयल। सो टिल देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ।